Hello students, myself R.K. Bansal, your mathematics mentor. And I am here with my first online lecture of mathematics for class 12th students. So firstly, I want to discuss the syllabus of class 12th mathematics. So we have first unit is relations and functions, which carries 8 marks in board exams. Second unit is algebra, which carries two topics, matrix and determinants and inverse trigonometric functions, and it carries 10 marks in board exam. And third unit is calculus, which carries many chapters like continuity and differentiability, differentiation, application of derivatives, integration. Integration also has indefinite integrals and definite integrals. And next one is area bound between the curves and differential equations. This whole unit carries 35 marks in board examination. And fourth unit is vectors and three-dimensional geometry. This carries 14 marks in board exam. And next fifth unit is linear programming problem. This carries 5 marks in board exam. And last unit is probability, which carries 8 marks in board exam. So in this way, we have total 80 marks. And 20 marks are given by internal assessment and internal exams. Okay. Now we will start with here our first unit, our first topic, matrix. मैट्रिक्स को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें जानना होगा इसका वर्ड मीनिंग क्या है. अगर मैं डिक्शनरी मैट्रिक्स को देखूंगा तो मुझे इसका मीनिंग क्या मिलेगा. इट्स डिक्शनरी मीनिंग टू गिव शेप. डिक्शनरी मीनिंग को जानना जरूरी है. इससे हमको जो है उस चैप्टर के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मालूम चल जाती है कि हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं उस टॉपिक में. ओके, सो इट्स वर्ड मीनिंग टू गिव शेप, किसी भी चीज़ को आकार देना, किसी भी चीज़ को शेप देना. ओके, सो अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें, इट्स डेफिनेशन इज A rectangular arrangement of some numbers in the form of some horizontal lines known as rows and some vertical lines known as columns. कुछ numbers को अगर हम rectangular form में arrange कर दें, जिसमें कुछ horizontal lines होंगी जिनको हम row बोलेंगे, कुछ vertical lines होंगी जिनको हम columns बोलेंगे, वो arrangement एक matrix कहलाएगा. तो आपने देखा कि actually हमने कुछ random numbers को एक shape दिया, इसीलिए इस system को, इस कॉन्सेप्ट को हमने मैट्रिक्स नाम दिया. और हमें इस इट इज ऑलवेज एनक्लोज विद इन अ स्क्वायर ब्रैकेट और पैरेंथेसिस और दिस स्ट्रक्चर. हमको हमेशा इस अरेंजमेंट को स्क्वायर ब्रैकेट में या पैरेंथेसिस में या इस स्ट्रक्चर के अंदर इनक्लोज करना होता है. मेनली हम लोग इस वाले स्ट्रक्चर को, इस वाले सिंबल को यूज करते हैं मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए. एंड ऑल्सो वी हैव टू वर्ड्स रिलेटेड टू मैट्रिक्स, वन इज मैट्रिक्स एंड सेकेंड इज मैट्रिसेस. सो कंफ्यूज नहीं होना है, मैट्रिक्स इज सिंगुलर फॉर्म, मैट्रिसेस इज प्लुरल फॉर्म. And also we should know about who gave this theory. So this theory is given by Cayley Hamilton. He is a well-known mathematician, Cayley Hamilton. इन्होंने और भी बहुत सारा वर्क किया मैथमेटिक्स में. सो अब हम बात करें कि हम किसी भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे. सो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए इक्वल टू, हमने क्या किया, कुछ आपके सामने स्ट्रक्चर शो किया हमने, ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए वन एन, ए टू वन, ए टू टू, अप टू ए टू एन, इन दिस वे ए एम वन, ए एम टू, ए एम थ्री एंड ए एम एन. आप देख रहे हैं कि मैंने हर एलिमेंट में सफिक्स में दो डिजिट्स को शो किया हुआ है. इन विच फर्स्ट डिजिट शोज ऑलवेज नंबर ऑफ रो एंड सेकेंड डिजिट शोज नंबर ऑफ कॉलम्स. सो ए वन वन मीन्स दिस इज एन एलिमेंट ऑफ फर्स्ट टू एंड फर्स्ट कॉलम. ए वन टू मीन्स दिस इज एन एलिमेंट ऑफ फर्स्ट टू एंड सेकेंड कॉलम. This is an element of first and third column and in this is first and nth column. mth row first column, mth row second column, mth row nth column. ये एक matrix का representation है. ये एक बड़ा form है, तो short में अगर हम इसको लिखना चाहें, so A equal to Aij, मैंने लिखा m by n. m by n shows its order in which m shows number of rows and n shows number of columns. सो ए आई जे यहाँ पे जनरल एलिमेंट है. आई मीन्स आई एथ रो, जे मीन्स जे एथ कॉलम शो कर रहा है ये. आई एथ रो, जे एथ कॉलम मीन्स आई एथ रो नंबर ऑफ रोज एम है. सो आई की वैल्यू वन से लेकर एम तक कुछ भी हो सकती है. जे एथ रो मीन्स जे हमारा नंबर ऑफ कॉलम शो कर रहा है. सो जे की वैल्यू वन से लेकर एन तक कुछ भी हो सकती है. तो हम अगर फुल फॉर्म में इसको लिखना चाहेंगे तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, नाउ वी स्टडी अबाउट कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ जनरल एलिमेंट गिवन. अगर हमको जनरल एलिमेंट दिया जाए और मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया जाए तो मैट्रिक्स को हम कैसे कंस्ट्रक्ट करें इसके बारे में बात करेंगे. ठीक है, इफ अ मैट्रिक्स गिवन एज ए इक्वल टू ए आई जे हुज ऑर्डर इज 3/2 वेयर ए आई जे इज इक्वल टू 2i माइनस जे अपॉन आई प्लस जे देन कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स ए. हमको मैट्रिक्स ए यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करना है. ऑर्डर इज 3/2 सो वी हैव 3 रोज इन 2 कॉलम्स. हमने क्या किया, 3 रोज
एंड टू कॉलम्स को यहां पर एक मैट्रिक्स को जनरल फॉर्म में लिख लिया। अब मैं इन सारे एलिमेंट्स की वैल्यू निकालूंगा विद द हेल्प ऑफ गिवन जनरल एलिमेंट्स। सो A11 इज 2, A11 मींस आई मुझे 1 पुट करना है, जे की वैल्यू मुझे 1 पुट करनी है, आई को 1 लगाया, जे को 1 लगाया और मुझे वैल्यू मिल गई 1/2। सिमिलरली मुझे निकालना है A12, आई को 1 लगाना है, जे को 2 लगाना है, सो इट इज 0। A21, आई को 2 लगाना है, जे को 1 लगाना है, सो इट इज 4 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1, सो इट शुड बी 3/3 मींस 1। सिमिलरली एंड सो ऑन, आप निकाल सकते हैं और सारी वैल्यू यहां पुट कर सकते हैं। नाउ अब हम बात कर लें यहां पे कि मैट्रिक्स कुल कितने टाइप की होती है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट वन इज रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स अगर हम इसको नाम से देखें, रो मैट्रिक्स मतलब सिर्फ रो के बारे में हमें देखना है। सो दिस मैट्रिक्स हैज ओनली 1 रो एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम्स। वी कैन से दिस इज 1 रो एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम्स। सिर्फ एक रो होगा और कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं यहां से, तो मैंने कहा ए इक्वल टू मान लीजिए 1, 2 और 3। हमने क्या किया यहां पे, एक रो शो किया, नंबर ऑफ कॉलम हमने कितने शो किए यहां पे, 3 शो किए। ठीक है, सिमिलरली वी कैन राइट वी इक्वल टू ए बी। हमने यहां पे हमने यहां पे क्या किया, एक रो शो किया और दो कॉलम यहां पर शो कर दिए। सिमिलरली वी हैव कॉलम मैट्रिक्स, दिस इज ओनली 1 कॉलम एंड एनी नंबर ऑफ रोज। देन नल और जीरो मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स हैविंग ऑल द एलिमेंट्स इक्वल टू 0 इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स। वी कैन से दिस टाइप, कुछ भी आप लिख सकते हो, इसका नोटेशन कैपिटल ओ होता है। ये मैट्रिक्स में बिल्कुल वही काम करता है जो रियल नंबर्स में 0 करता है, मतलब किसी भी नंबर में अगर हम 0 ऐड करेंगे तो नंबर सेम रहेगा। सिमिलरली किसी मैट्रिक्स में अगर आप नल मैट्रिक्स ऐड करोगे तो मैट्रिक्स में कोई फर्क नहीं आने वाला, सेम रहता है। किसी भी नंबर में आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे, नंबर प्रोडक्ट हमारा 0 बन जाता है। किसी भी मैट्रिक्स में अगर मैं नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस क्या मिल जाएगा, मुझे नल मैट्रिक्स ही मिल जाएगा। क्लियर है? ओके, नाउ नेक्स्ट वन स्क्वायर मैट्रिक्स। नाम से क्लियर है, इसका शेप स्क्वायर होना चाहिए। मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ रोज शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। एक ऐसा मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स अगर बराबर होंगे तो मैं उसको बोलूंगा स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स, नाम से ही क्लियर है, इसका रिलेशन कहीं ना कहीं डायगोनल से होना चाहिए। सो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा, डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए इसको स्क्वायर होना कंपलसरी है, क्योंकि अगर स्क्वायर नहीं होगा तो उसका डायगोनल हमको मिल ही नहीं पाएगा। मैं एग्जांपल लेता हूं आपके सामने, सपोज करिए मैंने नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स लिया कोई 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर मैं इसका डायगोनल लेना चाहूं तो मुझे डायगोनल यहां नहीं मिल पाएगा। आप देखिए, सो क्लियरली वी शुड टेक ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए बी सी पी क्यू आर एल एम एन। ये मैंने एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया, यहां पर मुझे डायगोनल इसका मिल जा रहा है। चलिए अब हम बात करें प्रॉपरली, व्हाट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या है। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब हुआ कि डायगोनल एलिमेंट शुड बी नॉन जीरो एंड ऑल अदर एलिमेंट शुड बी 0। सो दिस मीन्स इफ ए इक्वल टू ए आई जे रिप्रेजेंट्स अ डायगोनल मैट्रिक्स, सो ए आई जे शुड बी इक्वल टू 0 फॉर ऑल वेयर आई इज नॉट इक्वल टू जे एंड नॉन जीरो फॉर ऑल वेयर आई इक्वल टू जे। सो वी कैन राइट इट डायगोनली नॉन जीरो एंड ऑल अदर एलिमेंट शुड बी 0। क्लियर स्टूडेंट्स? यहां पे एक बात और जानने वाली है आपके लिए कि डायगोनल एलिमेंट्स में भी कुछ एलिमेंट 0 हो सकते हैं, बट सारे 0 नहीं होने चाहिए इन अ डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर है? मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, डायगोनल ऑफ ए बी एंड सी। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स इज ऑल्सो अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। मतलब क्या हुआ इसका, ए इक्वल टू ए आई जे वेयर ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल वेयर आई इज नॉट इक्वल टू जे एंड के ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है फॉर ऑल आई इक्वल टू जे। अगर मैं इसका एग्जांपल लेना चाहूं, सो इट कैन बी रिटन एज के 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 एंड 0 0 0
एंड 0 0 0, ये मैंने 3 बाई 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स लिया है जिसे मैंने स्केलर मैट्रिक्स को शो किया है। क्लियर है? ठीक है, अब हम बात करेंगे अभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। इसको आगे लेता हूँ यहाँ पर। आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स, इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स शुड हैव एलिमेंट इक्वल टू 1 एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई। मीन टू से आई टू मीन्स एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। मीन टू से डायगोनली 1 1, बाकी 0 0, आई 3 डायगोनली 1 1 1, 0 0, बाकी सारे 0 हो गए। इट इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, इट इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस ये बिल्कुल वैसे ही बिहेव करता है मैट्रिसेस में जैसे रियल नंबर से 1 करता है। जैसे मैं किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करूंगा नंबर सेम रहेगा, सिमिलरली किसी मैट्रिक्स को अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैट्रिक्स बिल्कुल सेम रहेगी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। क्लियर है? सो नेक्स्ट वन इज वी मूव ऑन टू ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स विच कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर। सो जान लेते हैं इसको भी। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, फर्स्टली अपर ट्रायंगुलर, क्लियरली हमको यहां पे अपर ट्रायंगल के बारे में बात करनी है एंड इट शुड बी ऑल्सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स। मैंने बोला ए बी सी पी की वर, दिस इज एन अपर ट्रायंगल ऑफ दिस मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स शुड बी नॉन जीरो एंड ऑल अदर शुड बी जीरो। यहां पे एक बात और बता दूं मैं आपको कि अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स में भी कुछ एलिमेंट्स जीरो हो सकते हैं। क्लियर है? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्लियरली वी शुड टॉक अबाउट लोअर ट्रायंगल हेयर। सो ए बी सी पी क्यू आर एंड 0 0 0, ये हमारा लोअर ट्रायंगल हो गया। लोअर ट्रायंगल एलिमेंट शुड बी नॉन जीरो एंड ऑल अदर शुड बी जीरो। यहां भी वही बात कि लोअर ट्रायंगल में भी सारे जीरो नहीं हो सकते बट कुछ जीरो यहां पर भी हो सकते हैं। क्लियर है बात? तो ये सारी बात हमारी हो गई टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। अब हम लोग थोड़ी सी बात यहां कर लेंगे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस के बारे में, मतलब दो मैट्रिक्स आपस में बराबर कब हो सकती हैं, इक्वल कब हो सकती हैं। सो क्लियरली आई हैव रिटन हेयर ऑर्डर शुड बी सेम एंड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी सेम। दो मैट्रिक्स को इक्वल होने के लिए उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, मतलब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम बराबर होने चाहिए एंड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी उनके सेम होने चाहिए। सपोज दैट वी टेक ए इक्वल टू ए आई जे ऑर्डर एम बाई एन एंड मैट्रिक्स बी इक्वल टू बी आई जे ऑर्डर आर बाई एस, फॉर्मिंग ए इक्वल टू बी, एम क्रॉस एन शुड बी इक्वल टू आर क्रॉस एस, दैट मीन्स एम शुड बी इक्वल टू आर एंड एन शुड बी इक्वल टू एस। सिमिलरली ए आई जे शुड बी इक्वल टू बी आई जे मीन्स करस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड ऑल्सो बी सेम, जैसा कि मैंने आपको बताया। एक क्वेश्चन की बात कर लें हम यहाँ पर, हमको एक्स बाई जेड डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी है सच दैट दिस वन दिस इक्वल टू दिस। तो मैंने कहा दो मैट्रिक्स को इक्वल होने के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए। सो हम देख रहे हैं यहाँ पे टू रोज टू रोज टू कॉलम्स एंड टू कॉलम्स, दोनों का ऑर्डर 2 बाई 2 2 बाई 2 है, मीन्स ऑर्डर सेम हो गया। अब दो मैट्रिक्स को इक्वल भी होना है, इक्वल यहां हमको दिया हुआ है, दैट मीन्स अगर इक्वल हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए। तो अगर हम इनकी इसको सॉल्व करने की बात करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा यहां से x माइनस वाई इक्वल टू 5, 2z प्लस w इक्वल टू 3, 2x माइनस वाई इक्वल टू 12 एंड 2x प्लस w इक्वल टू 15 एंड वी शुड सॉल्व these four equations for x by z and w and we get the values of x by z and w. Okay students, so today we studied basics of a matrix. What is a matrix? Its definition, its representation, its types, equality of matrices. Yahan tak humne aaj kaam kiya hai. Iske aage ye baat next video mein. So till then iski practice kijiyega, isko achhi tarah samajhiyega. कोई बात क्लियर नहीं है बार बार देखिएगा, और अगर कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं इसको। थैंक यू सो मच।